मिल रही है जहां मुख्यमंत्री निवास पर बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा भी बैठक में मौजूद है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है बैठक में। जिस तरीके से दो नाम तय हो गए हैं, लेकिन दो नामों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। और देखिए, अब फिर से बैठक का दौर हमें देखने को मिल रहा है और ये खबरें सामने आ रही है कि बैठक के बाद नाम तय हो सकते हैं, दो नाम सामने आ सकते हैं। दो नामों पर लगातार मंथन जारी है। तो बड़े नेताओं की बैठक चल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं। खबर पर अपडेट लेंगे, हमारे साथ सूरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, क्या माना जाए, दो नाम जिन पर पेच फंसा हुआ है, नाम सामने आ जाएंगे आज? देखिए, बिल्कुल लगातार मंथन चल रहा है। लगभग दो नाम तय हो चुके हैं, सुरायन सुप्रो गौरीशंकर बिसेन, लेकिन तीसरे नाम को लेकर लगभग ये माना जा रहा है कि संभवतः लोधी वोट बैंक को साधने के लिए, जातिगत समीकरण के साधने के लिए खरगापुर से जो विधायक हैं राहुल लोधी, उमा भारती के भतीजे हैं, ऐसे में लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है और इसको लेकर लगातार मंथन अंतिम दौर का चल रहा है। उसका यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुबह 10 बजे छिंदवाड़ा रवाना होना था, लेकिन उसके पहले तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, केंद्रीय मंत्री रणजीत सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ मुख्यमंत्री निवास पर चर्चा जारी है। तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस पर भी मोहर लग सकती है कि कब शपथ ग्रहण कार्यक्रम समारोह होगा, क्योंकि लगभग अब ये तय माना जा रहा है कि राहुल सिंह लोधी तीसरे मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं और यही कारण है कि अंतिम दौर की चर्चाएं भी अब चल रही हैं। बिल्कुल, राहुल लोधी का नाम सामने आ रहा है, देखने वाली बात होगी उनके नाम पर कब तक मोहर लगती है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सूरज।